अगर मेरे घर वालों को पता चला कि ये रात के 3 बजे ना सड़कों पे घूम रहा है। बात स्टी भाई, भोंसड़ी वाले मेरे कजन से मेरे को पीछे ढूंढ रहे होंगे कि वो बंदा गया तो गया कहाँ, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भाई वो बंदा ना ऑलमोस्ट पहुंच ही गया जहाँ पे उसको पहुंचना। नाइट राइड में ना एक अलग ही लेवल की किक है, कश्मीर में नहीं, कश्मीर से बाहर। अगर आप कश्मीर में नाइट राइड करते हो ना भाई, तो आप पहले जाओगे, पहले के साथ साथ पता नहीं आप कहाँ भेजे जाओगे। हम पहुंच चुके हैं आपकी हमारी लोकेशन पे, बट भाई को ना पहले एटीएम वगैरह पे जाना। भाई ने ऑलमोस्ट दो रखी थी अभी ना, अपने हाथ से ना इसे पानी डालने का अलग ही मजा है भाई। जब मैं निकल चुका हूँ घर से और यहाँ की सड़क की हालत एक बार चेक करो भाई। क्या भाई, यहाँ से सारा कुछ तोड़ दिया गया है। ये सड़क देख रहे हो कितनी बड़ी हो गई है भाई, हाईवे लग रहा है तो ये। भाई भाई मेरा दिल खुश हो गया सीरियसली यार। बाइक में थोड़ा सा फ्यूल भराते हैं एंड देन सीधा निकलते हैं मार्केट की तरफ। बाइकर को खुद डालना है, यूट्यूबर्स की इज्जत ही नहीं है यहाँ पे कोई। भाई 200 भी होने ही चाहिए मेरे जेब में, अगर नहीं हो तो क्या करोगे। अभी ना मैं सोच रहा था कि मैं अपनी हेलमेट चेंज कर दूं, इस वाली हेलमेट का ना हम टेस्ट करेंगे कि। भाई ने ऑलमोस्ट दो रखी थी अभी ना, अपने हाथ से ना इसे पानी डालने का अलग ही मजा है भाई। वैसे मैं निकल चुका हूँ श्रीनगर की तरफ और आप लोग देख पा रहे होंगे भाई, धूप जो है ना अच्छी खासी निकली हुई है, बट मुझे डर है कि कहीं बारिश ना हो या कुछ और, उस वजह से ना मैं भाई थोड़ा सा फास्ट ही चलूँगा। ओह पागल है क्या ये, ऑलमोस्ट ना गाड़ी वाले ना ऐसे ही चल रहे हैं भाई, कान पे फोन लगा रखा है। इसके बाद ना मौसम बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमने जो है बहुत सारी ट्रिप्स प्लान की हुई है, तो वो सारी की सारी ट्रिप्स जो है ना वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई लेट वगैरह हो या कुछ और। अभी जितना भी टाइम लगेगा ना भाई, मुझे ट्रिप्स करनी ही करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। क्रैश के बाद ना मैंने बाइक को सीधा रिपेयर करने ले गया था, तो ऑलमोस्ट 9000 रुपीज़ का खर्चा आया है। 9000 रुपीज़ बाइक में लगे भाई, क्योंकि जिस पार्ट में स्क्रैच था मैंने वो निकाल के फेंक दिया, एंड कम से कम बाइक में ना 9000 रुपीज़ का खर्चा आया है। इस बाइक पे ना मैंने बराबर 2 दिन लगाए हैं, मैं 2 दिन वहाँ से हिला भी नहीं। बाइक को जो है ना रिपेयर करके ही लाना था घर, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, मैंने बाइक को जो है ना रिपेयर करके लाया फुल पावर तरीके से। ओह क्या बात है भाई, क्या बात है। ये ना थोड़ा सा आपको विंड ब्लास्ट आ रहा होगा, ये विंडशील्ड की वजह से है भाई, ठीक है। इस चीज़ का इलाज मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई भी मूड वगैरह नहीं था मेरा जाने का, तो एट द एंड मेरे को जाना पड़ा गाइस। फुल पावर तबाही होगी मेरे साथ, तो ये पीछे से कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये NS 200 है। हमारे लिए तो खुशखबरी है कि हमारा कश्मीर जो है तरक्की कर रहा है। ओह क्या बात है। ओ चचा भाई, आजकल सब लोग पागल हो रखे हैं। तो कैसे लग रहे हैं आपको मेरे ब्लॉग्स म्यूजिक के बगैर? एक टैग तो मुझे मिल चुका है कि मैं पुलवामा का फर्स्ट मोटो ब्लॉगर हूँ। अगर थोड़ी सी और मेहनत करूंगा ना भाई, तो बहुत आगे जा सकता हूँ। बस वो आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, खुल के दबा के सब्सक्राइब करो भाई। हो सके ना भाई स्लोली राइड किया करो, सही है, मेरे को देख के मत करो, ठीक है। अगर आप मुझे देख के ये सब सीख रहे हो ना, तो भाई मैं इतना कहूँगा मुझे देख के मत सीखो। विंडशील्ड की वजह से ना इतना ज्यादा गंदा फक क्या कर रहा है भोंसड़ी के। मैं लेफ्ट ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे रोकते हैं भाई, और मेरे पास फ्लैट नंबर प्लेट नहीं है, और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ भाई। मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई और ज़्यादा लेट हूँ। ओह क्या बात है भाई, अभी ना मेरे को फ्लोरेंस हॉस्पिटल तक जाना है भाई, क्योंकि मेरा एक भाई वहाँ पे वेट कर रहा है, उसके पास चलते हैं, उसको वहाँ से उठाते हैं और निकलते हैं सीधा भाई, सही है। ओह जैम देखा ही नहीं भाई, और कौन कौन पुराने वाले रूडी को मिस कर रहा है भाई, सही है भाई। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका नाम सुहेल है, तो ये क्यों रूडी रूडी बोल रहा है भाई, क्योंकि मेरे को ना सुहेल नाम से कोई जानता ही नहीं है, बस अगर कोई जानता है तो रिवड़ी नाम से जानता है। और भाई ने अच्छे से बता दिया है कहाँ पे जाना है मुझे। सड़क की हालत एक बार चेक करो, स्मार्ट सिटी भाई। ओ भोंसड़ी वाले, अभी ना मेरे को फ्लोरेंस हॉस्टल ढूंढना है। मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ, क्योंकि हॉस्टल के चक्कर ना बाबू भैया मेरे को जमता नहीं है। बॉयज अभी हम आ चुके हैं गाड़ी में, मैंने मेरी बाइक ना वहीं पे पार्क की और उसकी चाबी अपने भाई के पास दे दी। आ चुके हैं मेरा कजन एंड मैं, अभी हम गाड़ी में जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से हमारा सफर जो है गाड़ी में स्टार्ट। ऑटो के पीछे देखो क्या लिखा है भाई, वहाँ देखो वहाँ लिखा है, माँ की दुआ फरारी की थी लेकिन मेरी कबूलियत ऑटो की थी। भाई 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 क्या तबाही है। जैसे के साथ हम पहुँच गए हैं फ्लाईओवर पे, अभी हम जा रहे हैं, ठीक है। और गाड़ी वाला देखो क्या रश कर रहा है भाई, फुल पावर उसके पीछे लगे हैं। गाड़ी वाला देखो क्या रश कर रहा था यहाँ पे ना, गाड़ी वाले को फुल पावर गालियाँ पड़ रही है, क्योंकि उसने ना एंड मौके पे ना हमको फंसा दिया था जैम। क्या कहना चाहोगे इन ड्राइवर्स के बारे में?
हैवी ड्राइवर जैम आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या खतरनाक है भाई। ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी है ना, यहाँ से ना बस एक गाड़ी क्रॉस हो सकती है और एक गाड़ी को ना साइड पे चिपकाना पड़ता है। किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती है ना, और भाई इस बार रास्ते पे गलती से आ गया। जो उसके साथ कांड होगा ना भाई, वो अलग लेवल का कांड होगा। हम पहुंच चुके हैं अपनी वाली लोकेशन पे, बट भाई को ना पहले एटीएम वगैरह पे जाना था। पहले इसके साथ एटीएम पे जाते हैं, एक जगह पे निकलना है हमें दावत पे, तो फिर एक साथ जाएंगे वहाँ पे। भाई देखो कहाँ कहाँ से जा रहे हैं हम पहुँच चुके हैं एटीएम पे। भाई जो है पैसे वैसे निकाले, आप लोग देख पा रहे अभी हम आए हैं यहाँ पे। अभी किस वाली गाड़ी में ये रखे भाई, समझ नहीं लग रहा। अरे ये वाला भी लो, गुंडा बनेगा गुंडा। नहीं 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 नहीं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा लूं को आने में, तब तक हम वहाँ पहुँच भी गए। बिना रात के 2 बजे हैं भाई और मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। भाई सड़क देखो क्या खराब है। मैंने ना मेरी बाइक ना यहाँ फ्लोरेंस हॉस्पिटल के पास रखी थी। सड़क की हालत एक बार चेक करो बॉयज, क्या तबाही है। मेरी बाइक ना हॉस्टल में ही पार्क की थी सुबह, एंड मैं फिर सीधा आ गया था भाई गाड़ी में कज़न की। अभी ना कज़न वहाँ पे ड्रॉप करेगा, फिर वो वापस चला जाएगा क्योंकि उसको हॉस्टल में ही रहना है रात को। अगर मेरे घर वालों को पता चला कि ये रात के 3 बजे ना सड़कों पे घूम रहा है, शाम को अलाउड ही नहीं है बाहर जाना, और मैं रात के 3 बजे भाई घूम रहा हूँ फुल पावर तरीके से। एंड क्या मजा आ रहा है भाई, मैं अकेला चल रहा हूँ भाई इस वाले रोड पे। एंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मुझे पता है विंड ब्लास्ट है ना वो बहुत सारा आ रहा होगा, क्योंकि इस विंडशील्ड का ना भाई ब्लास्ट आता है ना सीधा का सीधा सारा मेरे माइक पे आता है। आई होप कि आपको जो मेरी वॉइस जो है ना वो क्लियर आ रही होगी। ओ मैन क्या तबाही, मजा आ रहा है राइड करने में भाई भाई भाई, भाई। मेरे कजन से मेरे को पीछे ढूंढ रहे होंगे कि वो बंदा गया तो गया कहाँ, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भाई वो बंदा ना ऑलमोस्ट पहुंच ही गया जहाँ पे उसको पहुंचना था। लेकिन नाइट लाइफ ना यहाँ की आज खतरनाक बन चुकी है, क्योंकि लाइटें वगैरह लग चुकी है ना भाई बहुत सारी जगह। मैं फर्स्ट टाइम ना ऐसे नाइट को ब्लॉग वगैरह बना रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई, देख रहे हो खतरनाक सीन है भाई। ओहो क्या बात है भाई, वो लोग कहाँ जा रहे हैं। आगे जाके ना टाइम दिखा देता हूँ कितने बजे हैं रात के। आधे लोग ना फिर ये बोलेंगे कि भाई अभी 11 बजे हैं 12 बजे हैं, भाई झूठ बोल रहे हो। अभी ना यहाँ पे रुक के ना मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार कि कितने बजे हैं भाई। सही है 2:46, सही है 2:46 टाइम आया है, दिख रहे हो 2:46 टाइम आया है। ये हमारी एक और गाड़ी लाइटलेस एंड विदाउट लाइट्स ये आई है, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने मेरी बाइक को ना यहाँ अंदर पार्क कर रखा है। ये मैं निकल चुका हूँ घर वाली साइड और फुल पावर खतरनाक सीन हो रहा है यहाँ, देख रहे हो कहाँ से निकल रहा है बंदा। तो अभी अगर क्रैश वगैरह हो जाएगा ना तो वो किसकी गलती हो, समझ रहे हो। चाचा क्या कर रहे हो, रोड तो बड़े अच्छे बनाए हैं लेकिन ये ना स्टेबल नहीं है, मतलब जितने होने चाहिए ना उतने स्टेबल नहीं है। इनमें ना जम्प्स वगैरह है तो इन पर ना थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको स्मार्ट सिटी बनानी है ना भाई, तो ये जो जम्प्स है ना भाई, ये देखो बबल कितना हो रहा है, बहुत ज्यादा बबल हो रहा है। कुछ लोग ना यहाँ की लाइटें वगैरह दिखा के ना बोलते हैं हमने स्मार्ट सिटी को एक्सप्लोर किया। वाह क्या व्लॉगर हो तुम लोग यार। अभी चढ़ते हैं फ्लाईओवर पे और फ्लाईओवर से सीधा निकलते हैं घर वाली साइड। ओह क्या बात है भाई, क्या बात है। मैं पहले पहले करता था सुबह सुबह राइड में, बहुत मजा आता था भाई। अभी ना मेरा मूड चेंज हो गया, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। सही है, मैं कल यहाँ से रात के 2:30 बजे चल रहा था भाई अकेले फुल पावर तरीके से, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया। नाइट राइड में ना एक अलग ही लेवल की किक है, लेकिन कश्मीर में नहीं, कश्मीर से बाहर। अगर आप कश्मीर में नाइट राइड करते हो ना भाई, तो आप पहले जाओगे, पहलने के साथ साथ पता नहीं आप कहाँ भेजे जाओगे। यहाँ से ना पूरा का पूरा रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया गया, अभी ना घूम के जाना पड़ता है, समझ रहे हो। ओहो क्या बात है, हाँ देख रहे हो क्या धूल उठा रहा है बंदा। भाई सो कहाँ से चलेगी पता ही नहीं चला भाई, फुल पावर तरीके से जी नाइन ना करो चाचा। आ कर रहा हूँ भाई फुल पावर तरीके से जी नाइन ना करो चाचा।
आगे तो मैं बनाई हूँ राइड करने के लिए। ओहो चचा नो ब्रेक चैलेंज गाइस, घर तक कोई ब्रेक नहीं होगी, ये हाथ यहाँ से हटेगा नहीं घर तक, समझ रहे हो भाई। अगर कुत्ता उत्ता आ गया फिर तो देरी पड़ेगी भाई, इंसान थोड़ी है जो हट जाएगा, गियर से कंट्रोल कर रहा हूँ समझ रहे हो। मेरा गियर से कंट्रोल कर रहा हूँ भाई, फुल पावर, पास नहीं चलना है भाई, जितना हो सके धीरे धीरे चलना पड़ेगा क्योंकि नो ब्रेक चैलेंज है भाई, ठीक है। जितना जितना मैं ले जा सकता हूँ, मैं नहीं बोलूंगा यहाँ से घर तक बराबर ले जाऊंगा, जितना ले जा सकता हूँ उतना ले जाऊंगा समझ रहे हो। एक साथ सारी ब्रेक दी थी इसमें, नो ब्रेक चैलेंज खत्म यहीं पे। एनएस की ना मुझे एक चीज सबसे ज्यादा गंदी लगती है और एक चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जब तक इसका आरपीएम ना 8 से नीचे है ना भाई ये भागेगी नहीं, मतलब कि इसका ना इनिशियल पावर है ना वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा। एंड जब ये थर्ड गियर के बाद भागना स्टार्ट करती है ना भाई, 9 आरपीएम से ऊपर हो गया ना भाई, ये पुश देती है बंदे को पीछे, मतलब फिर कोई 200 सेगमेंट में ना कोई भी बाइक इसके साथ लगा दो भाई, ये आगे नहीं जाने देगी। ये क्रेजी मशीन है भाई, इंडिकेटर देखो कहाँ का दे रखा है और जा कहाँ रहा है ये पता। ये रोड पे ना भगाने का अलग ही मजा है, क्योंकि पता होता है ना कहाँ पे क्या है, कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे लीन है, कहाँ पे क्या है, पता रहता है बंदे को, क्योंकि पूरी उम्र ना इसी वाली रोड पे गुजारी है। इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूँ घर वाली साइड, आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग जो है पसंद आया हो, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नए एडवेंचरस ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी बी फाइन, खुदा हाफिज़।